इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी आई रादर से। पिछले बहुत सालों से मैं सिंगिंग में कर रहा था। तो मेरी जो फर्स्ट मूवी आई थी जो नॉट येट 43, वो 2011 में आई थी, और अभी जो आई है वो 2016 में आई है। ये जो गाना है बहुत अच्छी तरह से वो है, बहुत अच्छे, बहुत लोगों ने सुना है। ऑलमोस्ट 10 मिलियन व्यूअरशिप हो चुकी है उस गाने की, दैट्स अमेजिंग. एंड या पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी आफ्टर दैट। सो इट्स अ वेरी नाइस स्टार्ट फॉर एटलीस्ट 2016। मुझे म्यूजिकली इट्स रियली गोइंग वेल फॉर मी। स्टिल लव दिस सॉन्ग. तो ऑन दैट फ्रंट मतलब आपको कितनी रिक्वेस्ट आती है फॉर दिस सॉन्ग? ऑब्वियसली अभी शोज़ तो उसके बाद बहुत सारे बढ़ गए, बहुत सारे शोज़ कर रहा हूँ, डिफरेंट सिटीज़ में जाके शोज़ चल रहे हैं। अलका जी के साथ बीच में एक बार एक शो में उनके साथ एक किया था। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिल रही है। गाने के फ्रंट में येस, आफ्टर द सॉन्ग बहुत सारा रिकग्निशन मिला है, उसके वजह से लोगों ने भी सुना है, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के यहाँ पे चांसेस मिल रहे हैं, गाने नए नए गा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो इट्स वंडरफुल फॉर मी। 2006 हैज़ बिन रियली लकी फॉर मी म्यूजिकली, एंड इज रियली गोइंग ग्रेट फॉर के साथ कोई मेमोरी जो आपने शेयर की हो? रफ़ी साहब फैमिली, मामा रफ़ी साहब की जो फैमिली इज़ वेरी क्लोज टू मी सिंस इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो मतलब आई कैन से इज फैमिली मेम्बर की तरह वो भी हम मुझे ट्रीट करते हैं। एंड कोई भी चीज़ होती है लाइक डेफिनेटली देर ऑलवेज अ कॉल अवे फॉर मी, एंड फॉर देम ऑल्सो आई एम अ कॉल अवे फॉर देम ऑल्सो। या बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है। अभी इनफैक्ट लास्ट ईयर ही एक छोटी सी चीज़ की थी, जो एक इनिशिएट की थी कि भारत रत्न फॉर मोहम्मद रफ़ी साहब का एक छोटी सी एक अपील की थी टू द गवर्नमेंट की थी, एंड इट हैज़ गॉट अ गुड रिस्पॉन्स। एंड होपफुली भारत रत्न जैसे हम बहुत सारे फैंस हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, एज अ फैन मैंने भी एक ये किया था, और हम सबको चाहिए था कि एक रफ़ी साहब को एक भारत रत्न मिले। सो आई हैव टेकन दैट इनिशिएटिव टू इट। एनजीओ भी है हाँ जी, हॉलवे फाउंडेशन करके, हाँ तो हमने सुना है शुरू होने वाला है. हाँ जी, हॉलवे फाउंडेशन जो है या उससे एक एक अभी हम लोग रिसेंटली अभी करने वाले एक प्रोजेक्ट चालू, वी हैव ऑलरेडी साइंड एमओयू विद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। जो स्किल इंडिया प्रोजेक्ट है वो हम लोग उसको एक आगे लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी वी हैव स्पोकन विद लॉट्स ऑफ कॉलेजेस की, जहाँ पे हम लोग उसको प्रमोट करेंगे, प्लस लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज हैव ऑल्सो जॉइन हैंड विद अस। तो जैसे चीज़ें आगे होगी बढ़ेगी, हम लोग डेफिनेटली आपको पता चली जाएगा कैसे चल रही वो चीज़ें। बहुत सारे रिकॉर्ड कर चुका हूँ अभी तक, और होपफुली बहुत सारे बाहर भी आएंगे, एंड होपफुली बहुत सारी म्यूजिकल हो जाए। 2016 वाज रियली लकी फॉर मी, एंड 2017 में होपफुली मैं सोचता हूँ कि बहुत बहुत ही बहुत ही बहुत ही गाने आपको मेरे सुनने। यस कवर्स, इनफैक्ट मैंने एक ज़माने में आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल जो बोल सकते हैं जिन्होंने कवर की चीज़ें की थी एक ज़माने में। अगर आप देखेंगे तो एक 2007 में मैंने एक वीडियो बनाया था जो ओनली फॉर यूट्यूब के लिए बनाया था, कि जैसे बोले डेमो बने कि लोग सुने समझे या ये करे। तो मैंने पल जो केके का गाना था, पल हम रहे या ना रहे कल, वो मैंने तभी गा के यूट्यूब पे तभी अपलोड किया था। तभी ज़्यादा कुछ पब्लिसिटी नहीं की थी, कुछ 1 लाख व्यूअरशिप मिली है ऑन इज ओन, लोगों ने देखा है, पसंद किया है। सो यस, अभी उसके बाद बहुत सारा गैप हुआ, सो अगेन आई एम ट्राइंग टू कम बैक विद इट। होपफुली मैं अभी कवर्स या चीज़ें जो सिंगल्स है या जो भी है वो आई एम वर्किंग ऑन दैट। अरे अभी अभी नहीं, अभी तो बहुत आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा है, मैं सर्दी में पूरी बात कर रहा हूँ। और अभी नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मैं डेफिनेटली मैं जब आवाज़ अच्छी होगी तो मैं बहुत सारे गाने गाऊंगा। कवर सिंग जो मैंने पहले किया था वही मैं करता हूँ। जो सबसे पहला जो गाना मैंने एज अ कवर सॉन्ग यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया था 2006 या 7 में, वही मैं बोल देता हूँ। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे पल पल, ये है प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल। बस इतना ही कर देता हूँ।